वहीं कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि महिला ने उन्हें गाली भी दी। कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। घटना के बाद कुलविंदर का एक वीडियो सामने आया है, उसमें वह कह रही है कि कंगना ने कहा था कि 100-100 रुपए की खातिर महिलाएं किसान आंदोलन में बैठ रही हैं। जब उसने यह बयान दिया तो मेरी माँ भी वहां बैठी थी। वही दूसरी तरफ कंगना ने एक वीडियो शेयर किया, उन्होंने कहा कि आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मेरे साथ हादसा हो गया। एक महिला जवान ने साइड से आकर मुझे चेहरे पर हिट कर दिया। मैं तो सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है। इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट।